दोस्तों, कई बार हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फोटोज़ एक ही पोस्ट में डाल देते हैं, लेकिन बाद में हमें ऐसा लगता है कि इन फोटो में से एक या दो फोटो खराब आए हैं और उन्हें हमें डिलीट करना होता है। लेकिन हमारे सामने ऐसा लिखा आता है कि हमें पूरा पोस्ट को डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जानना है कि आप चाहे तो उन सारे फोटो में से कोई भी फोटो आपके हिसाब से डिलीट कर सकते हैं। तो चले हम देखते हैं इसे कैसे करना होता है। इसके लिए हमें जाना है इंस्टाग्राम ऐप पे और उसके बाद हमें जाना है हमारे प्रोफाइल पे। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और उसी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम फोटोज डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस पोस्ट पे बहुत सारे फोटोज हैं, यहाँ से हम ये फोटो को डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें जो करना है, ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करना है और उसके बाद टैप करना है एडिट ऑप्शन पे। एडिट ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर पे एक डिलीट आइकन आया हुआ है। तो हमें जो करना है, सिंपली इस डिलीट आइकन पे टैप करना है और हमारे सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएंगे। तो चले अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे वो फ़ोटो अब यहाँ पे नहीं है। तो चले हम यहाँ से इस फ़ोटो को भी डिलीट करेंगे। फिर से हम डिलीट आइकन पर टैप करेंगे, टैप डिलीट, और ये फ़ोटो भी यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब हमें जो करना है, यहाँ पे सेव आइकन पर टैप करना है। तो यहाँ पे आप जब सेव आइकन पर टैप करेंगे, नीचे आपको ऐसा लिखा आएंगे कि हम आपके पोस्ट को सेव नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये लिखा देख के आपको घबराना नहीं है, आपको बस सिंपली इंस्टाग्राम ऐप को फोर्स क्लोज कर देना है और उसके बाद फिर से इंस्टाग्राम पे जाना है। अब आप फिर से आपके प्रोफाइल पे जाए और नीचे स्क्रॉल करके उसी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पहले 7 फोटो थे, अब यहाँ पे 5 फोटो हैं क्योंकि हम इनमें से 2 फोटो डिलीट कर चुके हैं। अब हम स्क्रॉल करते हैं तो देखेंगे वो सारे फोटोज़ यहाँ पे नहीं हैं जिन्हें कि हमने डिलीट किए थे। तो दोस्तों, इसी सिंपल तरीके को फॉलो करके आप अपने इंस्टाग्राम पे मल्टीपल फोटो वाला पोस्ट से कोई भी फोटोज़ को आप डिलीट कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।